नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। जयपुर के विद्याधर नगर में लगा है दुबई पार्क और इस दुबई पार्क को देखने के लिए जयपुर की जनता के साथ पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं। हालांकि कल 11 फरवरी इसका लास्ट दिन है और कल ये दुबई पार्क यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ऐसे में लास्ट दिन को देखते हुए काफ़ी संख्या में भीड़ है। आज दुबई पार्क में क्या खास है, क्या क्या कौन कौन से मोन्यूमेंट्स है और यहाँ का शॉपिंग एरिया कैसा है, सभी आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं जयपुर में ही हूँ और इसी बिल्डिंग का जो है इसके जो आर्किटेक्चर है बंगाल के कारीगरों ने अपने हाथों से ये पूरा डिज़ाइन बनाया है। दुबई का बुर्ज खलीफा हो या एफिल टावर का मेरे पीछे जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एफिल टावर का डिज़ाइन हो, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन यहाँ बनाए गए हो, बिल्कुल ऐसा लोगों को अच्छा लग रहा है। मैम कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ सर। कैसा लगा आपको कार्निवल घूम के? बहुत ही अच्छा। तो ये दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, आपके पहले दुबई? नो, पहली बार देख रहे हैं। तो फील आया अच्छा? बहुत अच्छा। सर कहाँ से हो आप? मैं यही विद्याधर नगर से हूँ। विद्याधर नगर से कैसा लगा? वैसे रहने वाला मैं यूपी से हूँ, बनारस से। अच्छा अच्छा। और इस तरह का पहली बार फेस्टिवल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसे लोग दुबई नहीं पहुँच पाते हैं तो इसी थीम पर ही मिल जा रही है। ये कही इन्होंने बात कि जो लोग दुबई नहीं जा सकते उनके लिए ये चीज़ अच्छी है और काफ़ी जो है पॉइंट बनाए गए, अटल टनल है, एफिल टावर, बहुत 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 बढ़िया बनाया है। एफिल टावर है, बुर्ज खलीफा है, कुछ दुबई की थीम्स की ये इधर लुक दिख रहा है। तो हम और बच्चे जो है कि इससे जो है कि काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं, देख रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं। तो आप सभी खुश हो? हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। वो आगे भी आना चाहोगे ऐसे पार्क में? हाँ। तो दुबई कार्निवल के अंदर ये खास टनल बनाई गई है, अटल टनल जिसको नाम दिया गया है, और तिरंगे का पूरा डिज़ाइन इसमें बताया गया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर फोटो और वीडियो बना रहे हैं। यहाँ लोगों से भी जानेंगे कि मैम कहाँ से हो आप? यहीं से, जयपुर से। ये आप आज आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो ये दुबई पार्क जिसको बताया गया है, बुर्ज खलीफा आपने देखी, अटल टनल का डिज़ाइन है, तो क्या आपको लगता है कि जयपुर में ऐसे और बनने चाहिए कार्निवल? बिल्कुल होने चाहिए भैया जी। आप कहाँ से हो मैम? जयपुर। कैसा लगा आपने आपको दुबई कार्निवल? बहुत अच्छा, हम दूसरी बार आ गए हैं अभी। दूसरी बार आए हो आप, बच्चों को लेके आए हो? बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि लोगों में जो है इसका क्रेज है, लोग दो दो तीन तीन बार यहाँ पर जो है दुबई कार्निवल देखने आ रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, ये देखिए मेरे पीछे आप जो है जे आप सेल्फी जो है पॉइंट्स भी बने गए, लोग सेल्फी ले रहे हैं। परी दरवाज़ा है, अलग अलग फ्रेम है, तो लोग ये जो ये देखिए मेरे पीछे जो है पिंजरे का एक डिज़ाइन बनाया गया है और ये फोटो फ्रेम के भी यहाँ डिज़ाइन है। लोगों से बात करेंगे। सर कहाँ से हो? मैं जयपुर से ही हैं। तो दुबई कार्निवल में आए हो, कैसा लगा आपको दुबई कार्निवल? अच्छा है, मतलब और भी अच्छा हो सकता था, पर अच्छा हो सकता था। क्या एक्सपेक्टेशन करते हो आप? मतलब झूले वगैरह ये पैसे ज़्यादा हैं, बट ठीक है, मतलब बट अच्छा, एक बार पैसा ज़्यादा लग रहा है झूले वगैरह का? हाँ, मतलब एवरेज ठीक है, मतलब एक बार का इस एरिया मतलब जयपुर के हिसाब से मतलब अच्छा है, मतलब ठीक है। कल इसका लास्ट दिन रहने वाला है तो ऐसे में क्या लगता है, इसको और लंबा चलना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, चलना तो चाहिए था, बट लास्ट तो होता ही, हर ना एक दिन खत्म हो तो होना ही होता है सब। तो कई लोगों की शिकायतें भी है, इनका कहना है कि जो झूलों के रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी तो लोग खुश है इस कार्निवल से। और ये हमारे साथ मैम कहाँ से हो आप? सर मैं जयपुर से ही हूँ। कैसा लगा आपने घूमा दुबई कार्निवल पूरा? हाँ अच्छा है। तो क्या कुछ बेहतर हो सकता है या आगे ऐसे कार्निवल लगते रहे, क्या आशा करते हो आप? नहीं आगे लगता रहे, बच्चों के इंटरेस्टिंग के लिए, बच्चों के एंजॉय के पर्पज से बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। तो ये तो फ्रांस के पेरिस का एफिल टावर जयपुर में भी है। हाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एफिल टावर का पूरा डिज़ाइन बंगाल के कारीगरों के हाथ की कारीगरी है, और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो खिंचा रहे हैं। सर कहाँ से आप? शाहपुरा से। ये जो है दुबई पार्क घूमने के पर्पज से? हाँ घूमने के पर्पज। कैसा लगा आपको? मस्त, बढ़िया। किसी दोस्त से मालूम चला या? हाँ दोस्त, रील्स पे देख के हाँ। आप यहाँ आए, वैसे ये कल खत्म होने वाला है ऐसे हाँ। में क्या ये आगे और रहना चाहिए था? क्या मांग रहना चाहिए था इस हिसाब से? अच्छा है, बढ़िया रहने चाहिए थे। क्या नाम है आपका? मेरा जेपी नाम है। जेपी, तो ये लोग जो है राजस्थान के हर कोने से आ रहे हैं खास तौर पर इस दुबई पार्क को देखने के लिए। काफ़ी भीड़ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लास्ट दिन है, तो लोगों ने जब लोगों की रील्स देखी, शॉर्ट्स देखे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, तो लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ा और वो इस जो है दुबई पार्क में घूमने के लिए आ गए हैं। अब हम आपको मार्केट एरिया दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे। दुबई कार्निवल के मार्केट के एरिया में आ गए हैं, मोन्यूमेंट्स के एरिया को आपको दिखाया, लोगों से बात की, लोगों के रिव्यू जाने।
अब ये जो है मार्केट के एरिया में आ गए हैं, दुकानदारों से बात करेंगे। ये देखिए कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर है। सर क्या क्या बेच रहे हो आप? मैजिक टावल। मैजिक टावल क्या है? प्लेटफॉर्म साफ करने के लिए आता है, जैसे हर गाड़ी किचन के लिए होता है। इसको बालों पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे यूज़ कर सकते हो, किचन में यूज़ कर सकते हो। लोग आ रहे हैं कार्निवल में, कल आखिरी दिन है, तो क्या आपको लगता है कि आगे और रहना चाहिए था ऐसा? हाँ रहना चाहिए था, पब्लिक बढ़िया आ रही है, अच्छी पब्लिक आ रही है। पब्लिक अच्छा आ रही है। ऐसा क्या भीड़ रह रही है बताइए सर? यहाँ पर पब्लिक की बहुत कमी है, जिस हिसाब से मेला चलना चाहिए था तो जयपुर में उस हिसाब से चला नहीं है। हम लोग आपको क्या लगता है क्या पीछे वजह रही होगी, या तो प्रमोशन या सारी चीज़ें सही रही हैं? हमको तो ये लग रहा है कि ये सिटी से बहुत आउटसाइड ग्राउंड है, इस चक्कर में पब्लिक नहीं आ पा रही है। लेकिन सिटी क्या कहाँ का माल है? ये भदोही का। भदोही का माल है, तो क्या पब्लिक का रिएक्शन क्या है? पब्लिक आ रही है? पब्लिक आ रही है ठीक ठाक, थोड़ी बहुत आ रही है। कल लास्ट दिन रहने वाला है, कल है, तो क्या लगता है आपको आगे रहना चाहिए था कार्निवल? हाँ चलता तो ठीक ही रहता फिलहाल। फिलहाल मतलब क्लोजिंग होने जा रहा है, क्लोजिंग होने जा रहा है बिल्कुल, तो उसके बाद आप समेट के जो वापस या जी कार्निवल में जाएंगे? नहीं, दूसरा कार्निवल लगता है मुरादाबाद यूपी में, वहाँ जाने का प्रतीक्षा है। मुरादाबाद यूपी की तैयारी में जी बिल्कुल, ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, यहाँ रेस्पॉन्ड नहीं मिला इनका। तो दुकानदार थोड़े निराश दिखे, उनका कहना है कि इस कार्निवल में वो भीड़ नहीं आ पाई जो आम तौर पर कार्निवल्स में भीड़ आती है। लोगों ने वजह बताई कि आउट एरिया भी इसकी एक बहुत बड़े वजह है, और प्रमोशन भी इस कार्निवल का उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आप देख सकते हैं जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट दिन है इसलिए ये भीड़ आपको नज़र आ रही है। बाकी और टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, धीरे धीरे ये फेमस हुआ, लेकिन जब तक ये फेमस हुआ तब तक ये ख़त्म होने की कगार में आ गया है। ये मार्केट एरिया के बाद आपको दिखाएंगे हम फूड कॉर्नर एरिया और प्लेइंग ग्राउंड एरिया। वही कार्निवल का ये है फूड कोर्ट एरिया, जहाँ पर फूड के साथ छोटे छोटे गेम्स है, झूले हैं बच्चों के खेलने के लिए, जो है झूले हैं, गेम्स है, सभी पर एक एक करके हम बात करेंगे, तो चल बने रहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल पसंद आ रही है सर। भीड़ जितनी उम्मीद थी उतनी आ रही है? नहीं, फीका माहौल है, माहौल फीका। तो हमने दिखाया आपका जयपुर में लगा ये दुबई कार्निवल, कल इसका अंतिम दिन है और भीड़ अब आनी शुरू हुई है। मतलब जब अंतिम दिन है तो भीड़ ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह लोगों ने ये बताई कि ये जो कार्निवल है ये काफ़ी आउट एरिया में लग गया, ताकि लोगों उससे लोगों को पता भी नहीं चला और इसका प्रमोशन भी बहुत कम हुआ। जैसे जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ डाले, वीडियो डाले, तब लोगों को मालूम चला कि ऐसा भी कोई कार्निवल जयपुर में लगा है, और फिर जो है जनता यहाँ पर अब उमड़ रही है। लेकिन क्या फ़ायदा, कल अंतिम दिन रहने वाला है। ऐसे में हमने जो है शॉपकीपर से भी बात कही, उन्होंने कहा कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो दूसरे कार्निवल को मिलता है। ऐसे में दुकानदार थोड़े निराश नज़र आए, क्योंकि भीड़ अब शुरू हुई है और कल ही ये कार्निवल ख़त्म होने वाला है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स।